पाकिस्तान का सबसे घटिया एंकर न्यूज 18 का जो एंकर है अमित देवगन वो है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लोगों की आस्था का मजाक उड़ाया है। हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोग जिनके उस पर इस्लाम धर्म को कबूल किया, तो ऐसे महानों पे भी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। न्यूज 18 के एंकर अमित देवगन के खिलाफ देश भर में गुस्सा बढ़ते ही जा रहा है। न्यूज 18 पर डिबेट के दौरान अमित देवगन ने मुस्लिम समुदाय के साथ साथ और भी कई धर्मों के लोग जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसलिए अमित देवगन पर गुनाह दाखिल करने की मांग अब मुमरा में तेज होते जा रही है। एनसीपी के नगर सेवक शानू पठान और साथ में कई और नगर सेवक कलवा एसीपी कार्यालय पहुंचकर अमित देवगन के खिलाफ एसीपी को अर्जी दी और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस दौरान एनसीपी के नगर सेवक शानू पठान, रेहान पीतलवाला, इमरान सुरमे, जफर नुमानी, फरजाना शेख और भी ऐसे कई नगर सेवक और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे और सभी ने न्यूज 18 के एंकर अमित देवगन पर गुनाह दाखिल करने की मांग की है। क्योंकि ऐसा है कि 15 तारीख के दिन अमित देवगन ने हिंदुस्तान के सूफी संत जिन्होंने इस्लाम धर्म का हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोग जिनके उस पर इस्लाम धर्म को कबूल किया और पूरी दुनिया जिसे मानती और अमित देवगन ने उनके बारे में गलत अपशब्द भाषा का प्रयोग किया, उनके बारे में गलत टिप्पणी की, इसका निंदा करते हुए हम सभी कॉरपोरेटर राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस के और जटिल समान ने सभी नगर सेवक लोगों ने एडिशनल कमिश्नर एसीपी साहब के पास आए और उनके ऊपर FIR धार्मिक भावना दुखने का जो FIR है उसके ऊपर FIR दर्ज करने की मांगनी की और कंप्लेंट करी, जिस पर सभी नगर सेवकों ने अपनी साइन करके लेटर की और साथ ही में हम इसकी कॉपी गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब और माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को देने वाले कि महाराष्ट्र के अंदर देश के अंदर एक तरफ कोरोना से लड़ाई लड़ रहे और कुछ लोग कुछ एंकर देश को धार्मिक के ऊपर बांटने पर लगे, कभी जमात के नाम पे, कभी सूफी संत के नाम पे, कभी धर्म गुरु को उसके बारे में गलत टिप्पणी करके महाराष्ट्र की जनता देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए कि दोबारा इस देश को बांटने की कोशिश ना करें। अभी आपको क्या यहाँ से आश्वासन दिया गया है, FIR दर्ज होगी या नहीं? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो कायदे में बैठते हैं, जो नियम है, उस तहत हम इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ऐसे हमें आश्वासन दिया। अच्छा, टीवी डिबेट में जो ऐसे मौलाना जाकर बैठते हैं, अब तक कई मौलानों पर आरोप भी लग चुका है, लेकिन इस तरह के डिबेट में जो मौलाना आकर बैठते हैं, क्या ऐसे मौलानों पर जो है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्या इन मौलाना का बहिष्कार नहीं होना चाहिए? देखिए, ऐसे मौलाना को बहिष्कार होना चाहिए। और सबसे पहली बात यह है कि जिन्हें इस्लाम के बारे में मालूम ही नहीं है उन्हें आप बिठा देते, जिन्हें शरीयत के बारे में मालूम ही नहीं उन्हें आप बिठा दीजिए, तो ऐसे मौलानों पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। और हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो हमारे धार्मिक गुरु बड़े, उनको ऐसे मौलानों का बहिष्कार भी करना चाहिए। बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारे जो बुजुर्गाने दीन है वो उनके बारे में न्यूज 18 के एंकर अमित देवगन ने जिस तरीके का गंदी अल्फाज का इस्तेमाल किया, बहुत नाजेबा कलमात को उन्होंने अदा किया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके के एंकरों पर ये पहले पाबंदी लगा देते, जिसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठती रही है, जो हमेशा दो धर्म के बीच में नफरत पैदा करना चाहते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर अगर लगाम लग गई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमारे तमाम मुमरा कौशल के तमाम लोग नगर सेवक यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी के माननीय जितेंद्र रावत साहब के मार्गदर्शन में आए हुए हैं, भाजपा और स्वयं सरकार। हमने डिमांड की है, हमने लेटर दिया है, शानू बड़ान साहब हमारे यूथ के प्रेसिडेंट है और नगर सेवक भी हैं, उन्होंने ये डिमांड की है, एसपी साहब को लेटर दिया और कहा है कि सर, इस पर जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में FIR लॉन्च हुई है, इसी तरीके से इनके ऊपर न्यूज 18 के जो एंकर अमित देवगन साहब उनके ऊपर भी FIR लॉन्च होनी चाहिए। इस मामले को लेकर जो उन्होंने खेद जताया उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो बात जब तीर उससे कमान से तीर निकल जाती है ना, तो वो चीज़ वापस नहीं आती। मतलब आपके दिल में नफरत पहले से भरी हुई थी, इसलिए आपने वो डेबिट में जो डेबिट चल रही उसकी बात करिए ना। आपने आपके जहन में आप दिमाग की ये सोच को देखना पड़ेगा कि आपकी जहनीत कितनी गंदी है, कि आप किसके बारे में कह रहे हैं, जिसमें तमाम हिंदू मुसलमान तमाम लोग की आस्था जुड़ी हुई है, जहाँ पर लोग जा करके अपनी मुरादों को पूरा करते हैं, मांगते हैं वहाँ पर जा करके,
और वो सूफी संत हैं और तमाम मजाहिब के लोग उनको मानते हैं। ऐसी जगह पर अगर आप जा करके और उनके ऐसे लोगों के बारे में आप कहेंगे तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे घटिया एंकर न्यूज 18 का जो एंकर है अमीश देवगन वो है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो एंकर है मैडम, जिस तरह का भाषा का उपयोग किया है, हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में इन्होंने ऐसी अपमानजनक बातें की हैं जिससे सारे लोगों की आस्था को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। ख्वाजा साहब सिर्फ मुसलमानों के संत नहीं, ख्वाजा साहब सारे लोगों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों की आस्था के एक बहुत बड़े प्रतिनिधि हैं और ऐसी बात कर कर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लोगों की आस्था का मजाक उड़ाया है। और हम ये चाहते हैं कि हमने आज हमारे ACP साहब से जो हमने लेटर दिया है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और FIR इनके ऊपर लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की, पूरे हिंदुस्तान के इतने सारे लोगों की आस्था का सवाल है। न्यूज़ 18 के जो एंकर हैं अमीश देवगन, उन्होंने हमारे ख्वाजा साहब के गुस्ताखी की है, उसकी निंदा करने के लिए आज हम DCP साहब के पास लेटर देने आए हैं। और हमारी सरकार से अपील है कि ऐसे लोगों की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो ये दोबारा हरकत ना करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।